पहले के समय में जब स्टेटोस्कोप नहीं थे तो मरीजों को इस तरह से चेक किया जाता था, लेकिन मरीजों को इस तरह से चेक करने से कई बार बीमारी फैलने का खतरा भी बना रहता था। एक बार एक फ्रेंच डॉक्टर रेने लाइनिक के पास एक महिला आई, लेकिन महिला को इस तरह चेक करना उन्हें काफी अकवर्ड लगा, इसलिए डॉक्टर ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक पेपर को रोल करके उससे धड़कन सुननी चाही और ये तरीका काफी कामगार भी साबित हुआ। इससे प्रेरित होकर उसने पहला स्टेटोस्कोप बनाया जिसमें की लकड़ी की ट्यूब थी और इस तरह स्टेटोस्कोप का आविष्कार हुआ।